नमस्कार, भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने का तरीका लगातार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, साइंस बदल रहा है, और शिक्षा के प्रति जो हमारी पारंपरिक सोच रहे है वो समय के साथ वह भी बदल रही है। पहले टीचर्स इस बात को मान करके चलते थे कि जैसा वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आना चाहिए, लेकिन बदलती जो हमारी सोच है, जो बदलते हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि अब टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चा किस बेहतर ढंग से सीख सकता है। बच्चे के गुस्सा व्यक्त करने का, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का एक अपना तरीका होता है। इस बात को टीचर्स को समझना पड़ेगा कि बच्चे की किसी भी एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो बच्चा उस एक्टिविटी के थ्रू कहना क्या चाहता है। यानी हम आज बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन साइकोलॉजी का, और खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी एजुकेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए चिल्ड्रन साइकोलॉजी को समझते हुए। इसीलिए आज हमने सब्जेक्ट जो चुना है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स यानी हमारे डिसेबिलिटी से जुड़े हुए जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम किस तरह से और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, इस बात पर हमारा फोकस रहेगा। और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेनू मालवीय जी। रेनू जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, चिल्ड्रन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, तो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613, और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। इसके अलावा अगर ईमेल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in, और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रेनू जी, सबसे पहले ज़रूरत है, मैं ये समझना चाहूँगा कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत किसी टीचर को क्यों होनी चाहिए, उसके बाद हम अपना मुख्य जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ हम शुरुआत करेंगे। जब तक टीचर ये नहीं समझ पाएगी कि बच्चे में ऑलरेडी क्या है, वो उसकी सोच क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, किस माहौल से आता है, उसके वो क्या दुनिया को किस नज़र से देखता है, जब तक टीचर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जागरूक कैसे करेगी। और जैसे आप बहुत बिल्कुल सही आपने बोला कि जब तक वो जमाना गया कि जब मैंने जिसे पढ़ाया मैंने सही पढ़ाया, वो कहावत है टीचर विल यू टीच द वे आई कैन लर्न, तो आजकल तो बिल्कुल ही अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ठीक से पढ़े तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को समझो जी अच्छी तरह से, फिर ही आप पढ़ने की बात कर सकते हैं। तो बच्चे को पढ़ाने के पहले बच्चे को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही। चलिए, तो यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चे को पढ़ाने के पहले टीचर्स को खुद बच्चे को पढ़ना सीखना होगा, उसके बाद ही बच्चे को सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए हम अपने मुख्य सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। मैडम, हमारे सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट जो एक शब्द जो लिया है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें ये एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी यानी अंडरस्टैंडिंग स्टडिंग दी ह्यूमन बीइंग देयर माइंड एंड हाउ इट फंक्शंस। तो अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बैठ के रिसर्च करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। अब इनको सबको रिसर्च करने में बड़ा सारा समय लगता है, उस तीन तीन महीने आपको पीएचडी करते हैं, आपको पता है तीन तीन चार चार साल लगते हैं। आप अगर बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहेगा, मैं रिसर्च करके बताता हूँ। अब रिसर्च करके वो बताएगा तो तीन साल बाद बताएगा, इतने में एजुकेशनिस्ट क्या करें। तो एजुकेशनिस्ट जो होता है वो तो कहता है कि एक छांटा मारो
चाटा मारना तो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, तो दैट इज वेरी रॉन्ग. यू शुड नॉट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड. तो एजुकेशनिस्ट तो गलत काम कर रहा है, स्पेशल एजुकेटर भी बहुत सी बार से गलत काम कर देते हैं. तो उनके इंटरफेस में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज लेके अपनी भी थ्योरीज बनाते हैं, वो उनको लेके और क्लासरूम में उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए इफेक्टिवली, कीपिंग ऑल द फिलॉसफी पैरामीटर्स एक्सेट्रा इन माइंड, और उसको कैसे करना चाहिए. ये काम है, एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. तो यहाँ पर अभी तक एक जो ट्रेडिशनल सोच रही है, माफ करिएगा मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करना है, साइकोलॉजिस्ट माने ये माना जाता है कि पागल के डॉक्टर होते हैं. तो यहाँ पर लेकिन एजुकेशन से इस चीज को जुड़ने का मतलब बिल्कुल क्वाइटली डिफरेंट हो जाता है, एक नया डायमेंशन स्टार्ट होता है. तो ये किस तरह से एजुकेशन को साइकोलॉजी से जोड़ा जाता है और इसकी जरूरत क्यों है? एजुकेशन साइकोलॉजी, फिर से आप बोलिएगा. मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, जैसे साइकोलॉजी एक पूरी तरह से डॉक्टरी फील्ड से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट समझा जाता है, जहाँ की एजुकेशन जो है एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ बच्चे के फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाना. अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करना ये जरूरत क्यों है और आप कैसे करते हैं? जो एजुकेशनिस्ट है, टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रेमिडियल टीचर्स हैं, ये सब एजुकेशनिस्ट हैं, वो प्रैक्टिशनर्स हैं. वो एक्चुअली बहुत फर्क होता है थ्योरी और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. जब हमको बोलने को कहते हैं तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा बोल सकते हैं, पर बहुत गलतियाँ कर जाते हैं. प्रैक्टिस में फ़र्क आता है. एजुकेशनिस्ट जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कैसे वेरिएशंस होंगे, इम्यून सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, मेनी अदर थिंग्स, इसके बारे में एक्चुअली जनरलाइजेशंस डेवलप करते हैं कि किस प्रकार से बिहेव करते हैं. उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनिस्ट. और जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस इंफॉर्मेशन को दे आर सॉर्ट ऑफ ब्रिज बिटवीन द टू, और वो इस साइकोलॉजिस्ट की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर्स तक कैसे इम्प्लीमेंट होनी है, क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट होना है, उस पर वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट दैट द चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज अ ब्रेन विच डज नॉट वर्क टू द लेवल ऑफ विच इज बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस. और उसका फंक्शनिंग लेवल जो है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, MR किया, ये किया, वो किया, ऐसे ही सेरेब्रल पाल्सी के बारे में उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही ऑटिज्म के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. पर उससे स्पेशल एजुकेटर अब क्या करें, अगर हमें पता है, पर उस तो रिमेडिएशन प्रोसेस जो हैं कि उसको क्लासरूम में कैसे करना है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन लेके और उनको सजेस्ट करता है. और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं अल्टीमेटली वो उसको क्लास में प्रैक्टिस करते हैं. जी, यहाँ पर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, क्या उनको आप ये साइकोलॉजिकल जो एंगल है बच्चे को समझने का, क्या उसको ट्रेनिंग देने तक ही यहाँ पर का हमारा काम सीमित रहता है? स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशल एजुकेटर हैं, जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करने के लिए स्पेशली ट्रेंड हैं, क्या उन्हें बच्चों की इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह की सोच, इस तरह के एटीट्यूड से परिचित करवाना, यही मुख्य उद्देश्य है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का? नहीं, उसको क्लासरूम में एंटायर लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, उसको इफेक्टिव बनाना, हर इंडिविजुअल बच्चे की नीड्स को देखते हुए. हर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स अपनी इंडिविजुअल नीड्स के साथ आता है, उन सबके नीड्स को देखते हुए और हर बच्चे में से द प्रोसेस ऑफ हाउ द बेस्ट लर्निंग कैन टेक प्लेस इन ईच ऑफ दिस चाइल्ड, उनके स्ट्रेंथ्स देखने, उनकी लिमिटेशंस करनी, किस प्रकार से जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना, किस प्रकार से एक बच्चा जो है उसकी सोच है और वो किस प्रकार से सोच के लर्न करता है, दूसरा बच्चे का थिंकिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल फ़र्क हो सकता है, तो वो कैसे सोचता है, ये सारा काम एक स्पेशल एजुकेटर का भी होता है.
तो इसी प्रकार से अभी जो हम कह रहे थे ये बात आई जो हम मजाक में अभी की थी, यहाँ पर भी हमने दे दिया है, यू गो एंड गेट द थ्योरीज, व्हाट विल द साइकोलॉजिस्ट से, यू गो एंड गेट द थ्योरीज टुगेदर एंड इन द मीन टाइम वी विल ट्राई एंड होल्ड द फोर्ट फॉर टू द बेस्ट एज पॉसिबल. साइकोलॉजिस्ट जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट को ये कहेगा. इट इज द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु फाइंड्स अ सॉल्यूशन टिल द साइकोलॉजिस्ट डज फर्दर रिसर्च एंड डेवलप्स न्यू थ्योरीज एंड लॉज. द थ्योरीज एंड लॉज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड, दे गेट स्टैंडर्डाइज्ड एंड दैट इज द रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. बट विद द amount of information that is there, उसको कैसे implement करना है जब तक further authentication of the theories होता है, वो educational psychologist to a large extent करता है. तो उस एक और problem आती है, ये words जो हैं हमारे disabilities में बहुत सारे terms use हो रहे हैं और उनकी meanings understand करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उससे थोड़ा सा confusion create होने के chance हो जाता है. और एक और है कि इतनी नई field है और different parts of the world में लोग different word, उसी word को, term को एक different तरीके से use कर रहे हैं. तो हम अपनी country में क्या कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, या आगे क्या करना चाहते हैं तो ये भी understanding करनी पड़ी हो जाती है. एक जो problem आती है education psychologist and school psychologist में, क्या इनमें कोई अंतर है? कुछ countries में वो कहते हैं कि अंतर नहीं है, कुछ में कहते हैं. तो ज़रा सा हम देखते हैं कि क्या है जिससे कि आगे हमें confusion नहीं होगा. इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है बीच में, इसको हम वापस बाद में आ जाएंगे. या इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर द रिसर्चर्स एंड थियोरिस्ट एंड आर लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. द स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर द प्रैक्टिशनर्स इन द स्कूल और स्कूल रिलेटेड सेटिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट. While we go to UK, United States, Kingdoms, ये बात ध्यान में रहे कि ज़्यादातर हमारी जितनी भी information आ रही है, development of construction of knowledge जो हो रही है वो US, UK से हो रही है, Canada से हो रही है, फिर हमारे पास आ रही है. हमारे पास बहुत information है पर कोई वो हम अपनी जो historical information है, ज्ञान है, उसको हम somehow document नहीं कर पाए हैं. ये हमारी general South Asia की issues हैं. तो इसमें UK में both the researchers, theorists and the school practitioners are referred to, the generic term for practitioners is educational psychologists in UK. The distinction between educational psychologists and school psychologists is not made in UK. अब हमारी कंट्री में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं. वी आर फॉलोइंग अ सिमिलर पैटर्न टू US. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, देयर रिसर्चर्स एंड थियोरिस्ट आर अनलाइकली टू बी आइडेंटिफाइड एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रैक्टिशनर्स इन स्कूल्स, यानी स्कूल में टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं एंड सो ऑन हैं, रिमीडिएशन टीचर्स हैं. और स्कूल रिलेटेड सेटिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट. अब इसके जी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी और क्या होती है. जी तो ये थोड़ा सा डेफिनेशंस तो जब दी हैं उसको तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम चलते हैं थोड़ा सा उसको रीड कर लेते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम व्हिच वन डिराइव्स प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, थियोरीज, teaching procedures and practical method of instruction and evaluation, as well as research methods, statistical analysis and measurement and assessment procedures appropriate for studying the thinking and effective processes of learners and the socially and culturally complex processes of schools. So, dekhiye, school ek pura structure hai, ek puri society hoti hai. जब भी तो कहते हैं कि जो लोग स्कूल में पहली बार फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो होते हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल में एडजस्ट करने के लिए. इट्स अ होल इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डन इन द स्कूल व्हिच वी डोंट डू इन सोसाइटी. वहाँ का सोशल कल्चरल, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना है, घर में उस तरीके से नहीं बातें की जाती हैं. कैसे क्लास में एंटर करना है, कब लिखना है, कब उठना है, कब मैम से बात कर सकते हो फ्रेंडली मैनर में, कब नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज़ें आपके घर के माहौल में नहीं होती, सोसाइटी के माहौल में नहीं होती हैं. सो सी द सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट विच इज़ अगेन स्टडीड बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं.
Educational psychology is a field that studies what people think and do as they teach and learn a particular curriculum in a particular environment where education and training are intended to take place. ये डेफिनेशन दी थी बर्लिनर ने 1992 में. इसमें क्या देखते हैं हम कि जो जिस प्रकार से आप एक स्कूल में कोई चीज पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स एक स्कूल में लेंगे या जो एग्जाम्पल्स एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की क्लास में लेंगे आप, वो एग्जाम्पल्स आप दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं लेंगे. वहाँ नाम ही बदल जाएगा, हो सकता है कहीं पर मेज कहते हैं तो कहीं भुट्टा कहते हैं, कहीं कॉर्न कहते हैं, लेकिन नाम बदल गया. हम मैंने सुना है कि समोसा, हम दिल्ली में समोसा बोलते हैं तो समोसा तो कुछ और ही कहला जाता है बंगाल में, तो उस एंटायर कॉन्सेप्ट ही उसका नेम का बदल जाता है. इसी प्रकार से इफ यू गो डिटेल इनटू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं. तो दैट इज अगेन इन द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. और डेफिनेशन पे चलते हैं. वुल्फर्ग ने क्या कहा है 2004 में, Educational psychology is a discipline concerned with teaching and learning processes and applies the method of psychology and has its own as well. It takes the definition, the theories and principles of psychology, but it develops its own also. Next definition. Definition nahi hai ye really. John Dewey said that viewed the child as an active learner. He further emphasized upon the child's ability to adapt to the environment. He stated that all children should be given education according to their competence. अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वे. ये डेफिनेशन हो गई. डेफिनेशन से हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन से हम चलते हैं नेक्स्ट टू द पर्सपेक्टिव्स विद एजुकेशनल साइकोलॉजी. What are the different perspectives, theories, worldviews through which the psychologists have tried to put educational psychology, and then we will look at the implications of these to the child with special needs. Developmental perspective, biological perspective, behavioral perspective, subjectivist perspective, psychoanalytical perspective and cognitive perspective. The biological perspective seeks to specify neurological processes that underlie behavior and mental processes. The biological perspective is a way of looking at psychological topics by studying the physical basis for animal and human behavior. It is one of the major perspectives in psychology and educational psychology and involves such things as studying the immune system, nervous system and genetics. Often it is also referred to as biopsychology or physiological psychology. Continuation, biological perspective. This perspective has grown considerably in recent years as the technology used to study the brain and nervous system has grown increasingly advanced. Today, scientists use tools such as PET and MRI scans to look at how drugs, diseases and brain damage impact behavior and cognitive functioning. There is also a word called biological reductionism, which involves reducing the psychological notions to biological ones, which is not always acceptable. यहाँ पर अभी हमने इस चीज़ को देखा कि डिफरेंट अप्रोचेस से, डिफरेंट एंगल से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है. और इसमें डिफरेंट जो
एटीट्यूड्स हैं, जो डिफरेंट एंगल्स हैं इस चीज को समझने के लिए, उसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आपने बताया, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या बच्चे के बायोलॉजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, न्यूरोलॉजिकल जो उसका फंक्शन है, जो जिस तरह से डेवलपमेंट, या कहीं अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसको बेस मान करके तब हम एक टीचर या एक एजुकेशनिस्ट इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चा किस तरह से सीख सकता है और किस तरह से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हर इंडिविजुअल वैसे तो देखा जाए उसकी बायोलॉजी डिफरेंट होती है, उसके फिजियोलॉजिकल मेकअप डिफरेंस होता है, पर जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होंगे तो उनमें जिनके फिजियोलॉजिकल मेकअप, उनका बायोलॉजिकल मेकअप में और ज़्यादा वेरिएशन होंगे। क्या पता नहीं हम इसको कमी कह सकते हैं, या आजकल तो कहते हैं कि एक डिफरेंटली एबल्ड है। तो हम इस प्रकार से, हम बिकॉज हमारा ब्रेन एक प्रकार से एक जगह पे है जहाँ से थिंकिंग प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, एक जगह पे स्पीच सेंटर है, अब उसका स्पीच सेंटर हो सकता है इस पर्टिकुलर बच्चे का एक डिफरेंट वे में हो, या द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच इज अराउंड द ब्रेन विच, जिससे द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो हमारे में एंटर होते हैं वो बफर सिस्टम के जैसे एक्ट करता है, अगर वो कुछ प्रकार की डिसेबिलिटीज में वो कम होता है, और वो कम होता है तो उनको ओवर सेंसिटिविटी होती है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर इसको बेस रखते हुए और उससे फिर बच्चों का बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश की जाए। ये जो न्यूरोलॉजिकल या जिस तरह की मेंटल डेवलपमेंट हुई है, मैं फिजिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के बिहेवियर को प्रभावित करता है, कि टीचर्स के द्वारा कही गई बात या क्लासमेट में जो अदर, चूंकि क्लासमेट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज कल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा जो स्पेशल नीड का है अगर वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत में एक कॉमन स्कूल में जाएगा तो अदर बच्चों का उसके प्रति क्या बिहेवियर होगा, और वो कहीं ना कहीं मैटर करता है उस बात को, बच्चा किस तरह से इतना इमोशनली किसी तरह से शैटर हो सकता है, उसको डिफरेंट एंगल से उसको समझने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही है कि अगर उसका जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो यही कहता है कि जो चेंजेस आते हैं इसकी वजह से आते हैं, हमारे ब्रेन में क्या स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, हमारे फिजिकल अदर स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है, अगर हाथ भी धोना है तो हमारे हाथ को एक पर्टिकुलर टाइप वे से मूव करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर रहा है उस प्रकार से तो बच्चा, आप अगर इंस्ट्रक्शंस उस प्रकार के देंगे जैसे कि एक आम बच्चे को देते हैं, वो बच्चा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं है, वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की वजह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ब्रेन से रिलेशनशिप्स के बारे में भी, अगर बच्चा खेलना चाहता है बॉल, आप तारे जमीन में बॉल वो स्ट्रेट फेंकता है पर वो डायरेक्शन उसका हमेशा गलत जाता है, उससे देखिए खाली वो खेल में नहीं इन्वॉल्व किया जाता पर उसकी पीयर, अपने पीयर के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जो है उसकी रिलेशनशिप ही पूरी इफेक्ट हो जाती है। तो ये हम बायोलॉजी से साइकोलॉजिकल जा रहे हैं, पर बहुत सी बार हर चीज़ को बायोलॉजी से कनेक्ट करना भी बहुत ईजी नहीं है और सही भी नहीं है। यहाँ पर मैडम इस चीज़ को थोड़ा सा समझना मैं अपने व्यूअरशिप कहना चाहूँगा, खास करके जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्रेंड भी हैं, इस बात को समझते भी हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है इसमें विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कभी कभी अगर आप कुछ उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उतना प्रॉपर अटेंशन न दे पाए, इट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिज ओन जो डेवलपमेंट है उसके माइंड का, कि वो बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता कहीं वो, तो कभी कभी होता है कि टीचर इस बात को फील करने लगते हैं कि बच्चा टीज कर रहा है या ध्यान नहीं देना चाहता, जानबूझकर के कर रहा है, तो टीचर्स को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि ये बच्चा जानबूझकर के नहीं कर रहा है बल्कि उसे कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है। इसमें दो पॉइंट्स आ गए, हम बायोलॉजिकल से आगे चले गए, कोई बात नहीं पर इम्पोर्टेंट है ये। कुछ तो है, कुछ बच्चों का तो अटेंशन स्पैन ही छोटा है तो इसलिए वो कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि मैं जो जिस प्रकार से एज अ स्पेशल एजुकेटर या एज अ टीचर मैं पढ़ा रही हूँ वो बोरिंग है उनके लिए, कुछ और का अटेंशन पे इसलिए नहीं हो रहा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में वो बोरिंग ही नहीं, वो उनको ऑलरेडी आता है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ टीचर, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसकी एक इनेट लिमिटेशन है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये उसमें लिमिटेशन आ रही है।
जो बिहेवियर वो शो कर रहा है, जो रिएक्शन दे रहा है स्टडी के पीछे, उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, ये बात स्पेशल एजुकेटर को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है इसमें कि जिससे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको या मॉडिफाई कर सकते हैं या मिनिवर करते जा सकते हैं चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उनको चेंज करना है। जहाँ पर वो नहीं चेंज करे जा सकते चेंज, तो फिर उसमें भी हम ही को चेंज करना है, पर ये अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा उसको नहीं मॉडिफाई कर सकता, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैम थोड़ा सा इसको और क्लियर करें कि अगर कोई बच्चा इस तरह से क्लास में बिहेवियर कर रहा है जहाँ पर कि टीचर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, या उसे लग रहा है कि हमारा बच्चा प्रॉपर नहीं सीख पा रहा है जितना मैं सिखाना चाहता हूँ, ऐसी सिचुएशन में उसको किस तरह से गाइड करना चाहिए, बच्चे को किस तरह से टेकअप करें कि वो प्रॉपरली जितना वो देना चाहता है आउटपुट वो निकल करके सामने आ सके। इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि एक तो हर स्कूल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होनी चाहिए, जो कि हम अपने थोड़े से टॉपिक से जा रहे हैं अलग, तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर असेसमेंट होना जरूरी है, स्क्रीनिंग फिर उसके बाद असेसमेंट, बहुत फ़र्क है स्क्रीनिंग और असेसमेंट। स्क्रीनिंग एक आम टीचर करती है कि मुझे लग रहा है इस बच्चे में ये इन वजहों की वजह से जो है ये लिमिटेशंस हो रही हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट असेसमेंट करना, या वो हुआ आपका असेसमेंट, उसके बाद आया डायग्नोसिस, तो असेस किया, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ इस इन ये पेपर पेंसिल टेस्ट है या कोई और टेस्ट है कि हाँ इसका एक्चुअली इन चीज़ों में इसका जो है लिमिटेशंस हैं, तो उसके बाद फाइनल एक डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के बाद लेबलिंग करते हैं, पर लेबलिंग आजकल कहते हैं कि नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो, क्योंकि फिर उसके एडवांटेज भी हैं पर काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं, नेगेटिव टर्म्स की तरह से यूज़ किया जाता है। पर इन सब चीज़ों से पहले कहीं पर एक बच्चे को स्पेशल नीड्स में डालने से पहले एक अपना स्कूल का वातावरण भी देखना चाहिए, क्या हमारे पास लेटेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या टीचर्स का माइंडसेट टुवर्ड्स चाइल्ड सेंटर्ड मल्टीसेंसरी अप्रोच है, क्या टीचर्स को स्कूल ने एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी है इन सर्विस, क्योंकि प्री सर्विस में सब कुछ नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे नए नए चीज़ें आती हैं, तो इन सर्विस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, तो उसमें क्या टीचर की नॉलेज इस सो एंड सो फिट टू बी द एप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेटर विद द एप्रोप्रिएट नॉलेज, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें नहीं पता चलता कि किस प्रकार का बुखार हुआ है, क्या हुआ, डॉक्टर के पास देते हैं, डॉक्टर अपना असेसमेंट करके बता देते हैं ये वायरल है, ये बैक्टीरिया से है, ये इससे, ये इससे, ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर के पास भी अपनी डिफरेंट टाइप की नॉलेज जो कि बहुत ज़रूरी होती है टू असेस उसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट में चलते हैं, अब इसमें हम आते हैं बिहेवियर पर्सपेक्टिव पे। इतना सारा बिहेवियर के बारे में बताया तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल से इसी प्रकार से जब नॉलेज बढ़ती गई तो चेंजेस आते गए। बिहेवियर पर्सपेक्टिव में ऑल बिहेवियर इज लर्नड एंड शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट, इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई एंड रिगार्ड्स नियरली ऑल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड रिस्पॉन्सेस, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग अप्लाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल सेटिंग स्पेशली in special education. Behaviorism offers very practical ways of changing behavior. There are a lot of limitations of behavior perspective as well. Changed behavior do not tend to last very long, they're short-lived. Who decides which behavior should be controlled or changed? Learner is not an active participant in what to learn and how to learn. Behaviorist approach occurs because by not focusing on cognitive processes, it is only giving a partial explanation of human experience. Behavior. इसको मैं थोड़ा elaborate करना चाहूँगी।
यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे और इसके हम इलेबोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे फर्स्ट सेगमेंट में जो हमने चर्चा किया है उसको आपने देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसके साथ साथ हम बिहेवियर को बहुत ज्यादा इशू फैक्टर, एकदम मेन फैक्टर हम मानते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इस अभी हम चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आकर के चर्चा को जारी रखते हैं।
वेलकम बैक फ्रेंड्स. अभी आपने देखा कि हमने इस बात पर चर्चा किया कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है बच्चों को समझने की, उसके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इसमें बिहेवियर अप्रोच में कि बच्चों का बिहेवियर को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए और कैसे उनको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए. यहाँ पर एक बार फिर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप चाहें हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें. हमारे टोल फ्री नंबर 1800-112-008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609 पर. दोस्तों अब आइए हम शुरुआत करते हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में. तो मैम, बिहेवियर के बारे में जिस तरह से आप बता रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू करें. बिहेवियर में अभी हमने सब लिमिटेशंस देखें. स्पेशल एजुकेशन में हम बिहेवियर अप्रोच काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, करना भी पड़ता है. उसकी बहुत वजह भी है. हम बहुत सी बार बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग प्रोसेस, हाउ द चाइल्ड लर्न्स, वो लिमिटेड होते हैं. बहुत सी बार बच्चे को इतना टास्क एनालाइज करना पड़ता है, इतनी डिटेल में बात जानी पड़ती है, तो वो उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है. पर उसकी लिमिटेशंस भी बहुत होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो लर्निंग जो है उसके अपने, वो क्या चाहता है, ह्यूमन नेचर से बहुत सी बार वो कनेक्ट नहीं हो पाता है. और क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रेंसिक होती है, आउटसाइड द ह्यूमन मोटिवेशन से होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से कनेक्टेड होती है, तो उसमें क्या है, वो लर्निंग जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड हो जाती है. तो इसलिए आजकल अब मूवमेंट टूवर्ड्स हो रहा है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वगैरह की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले हम जरा बात करते हैं ऑन द बिहेवियर पर्सपेक्टिव. Some of the psychologists who have done a lot of work and who were instrumental in the behavioral perspective, they were Pavlov. He invented the classical conditioning, and the major point here was how we learn behaviors through association. Skinner was the other psychologist person who did a lot of work. His conditioning is known as the operant conditioning, and here the difference between Pavlov and Skinner's conditioning are that in Skinner's conditioning, how the sequence of behavior reinforces or the reinforcers shapes behavior is identified, and learning that is shaped by a reward. In the case of Pavlov, it was through association. In the case of Skinner, it is through reward. Bandura's theory is based predominantly on Skinner's, but the humanistic or the cognitive perspective has also been brought into this. This is also known as the social cognitive or behavioristic perspective. It influenced by the behavioristic perspective in the way that it focuses, it is focused on learning observable behavior, but also recognizes the need to understand cognitive processes. It studies learning which occurs without a reward. So what do we see in Pavlov's theory? Associations are formed. That is also rewarding because the association is such that the final association may somehow, or the transfer of reward may take place onto the next one. In Skinner's theory, reward is an extremely important component. In Bandura's theory, reward takes a backseat. The cognitive processes takes the front set. Bandura has done a lot of work on aggression in children, observation of aggression and how children tend to repeat that also. It is a very intrinsic award in that case. When we talk about hum learning ki baat karte hain, to usme bacche ko wo learning jyada yaad rahegi jo wo apne motivation se seekh raha hai. आउटसाइड मोटिवेशन से नहीं. मैं आपको टॉफ़ी दूंगी तो आप कर लीजिए, शुरू में तो ठीक है, पर एक लेवल के बाद वो हटके और फिर वो इंटरनल मोटिवेशन होना जरूरी है. सेल्फ मोटिवेटेड यहाँ पर हम कहें इसको, बिल्कुल इंटरनेस्टिक मोटिवेशन को हम सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, जो कि अंदर से हम में से जागरूकता में बच्चे के अंदर खुद इस बात को अवेयरनेस क्रिएट हो कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको जानने की तरफ वो कोशिश करे. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो इसमें अब कैसे मूवमेंट आ रहा है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से. अब हम क्या देख रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट ने रियलाइज किया कि अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस को, अपने मेंटल प्रोसेस को ना समझें, बच्चे के को नहीं समझते,
तो उसमें क्या होता है कि वो पूरी अच्छी तरह से लर्निंग नहीं होती. तो नेक्स्ट सेट ऑफ पर्सपेक्टिव आ जाता है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. तो इसमें हम देख रहे हैं, हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कर लिया है, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव कर लिया है, अब हम आते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पे. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव यूज द एनालॉजी बिटवीन माइंड एंड द कंप्यूटर. जस्ट एज द कंप्यूटर वर्क्स, द माइंड हैज ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड इन अ सिमिलर वे. इन अ सिमिलर वे नॉट बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन बट इट अज्यूम्स दैट ओनली बाय स्टडिंग मेंटल प्रोसेसेस कैन वी फुली अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न. What are the limitations in the process of learning in the child with special needs? Until unless we understand the process of learning, we will not be able to identify where the limitations take place. So this is what the cognitive perspective says. Study mental processes in an objective fashion by focusing on objective behavior. Cognitive perspectives admits casually related मेंटल कंस्ट्रक्ट्स. जब हमने बायोलॉजिकल बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा था उसमें ये सब चीजें नहीं आई थी सामने. ट्रेट्स, बिलीव्स, मेमोरीज, मोटिवेशन, इमोशंस, दीज अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स सपोर्ट, फैसिलिटेट, हिंडर द लर्निंग प्रोसेस. कॉग्निटिव थ्योरीज क्लेम that memory structures determine how information is perceived, processed, stored, retrieved and also forgotten, which again the earlier theories had not focused upon. The other things that cognitive perspectives are looking at is the process of how information goes to the working memory and from the working memory or the working table to the short-term memory, and from the whole process from how some information will move on to the long-term memory and some will not move on further. So what do we see here? There's a need for appropriate processing, retention, involvement of special education teacher, general teachers, parents and of course the child. This is also called the social cognitive theories. Okay, so what are we seeing here? That first we looked at only how the biology, the brain, the philosophy, the physiological perspective changed. Then this educational psychologist, the psychologist, they realized it's only not looking at the biological structure and its functioning, which is innate with us, is enough. उससे हमें चलना पड़ा आगे कि बिहेवियर क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या उस बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. बिहेवियरिस्ट थ्योरीज आए, रियलाइज्ड कि हर आदमी, हर बच्चे का बिहेवियर जब मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ का किस तरह से होता है, कुछ का कुछ नहीं. उसमें आया कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेसेस क्या, तो वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ गया. अब चलते हैं उससे हम नेक्स्ट में, वो आया आपका, इसमें आता है हमारा साइकोएनालिटिक एनालिसिस पर्सपेक्टिव. बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, मीनिंग्स, बिलीव्स, फियर्स एंड डिजायर्स दैट अ पर्सन इज अनअवेयर ऑफ बट दैट नॉनetheless इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. अनदर पर्सपेक्टिव इज द सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव. ईच इंडिविजुअल हैज देयर ओन डेफिनेशन of the situation which is expected to vary according to their culture, personal history and current motivational status. It is with the subjectivist perspective that disability as a culture, how the entire society, the person with disability looks at disability, how it is different from culture to culture, from society to society. What is the worldview? What is the mindset towards disability, towards the person with a disability, of the person with disability, are all which come into the subjectivist perspective. So we are moving from what was earlier called the medical model to the social model of disability. We move forward. So ultimately, we have done the biological perspective,
the behavioral perspective, the cognitive perspective, the psychoanalytic perspective, and the subjectivist perspective. As we move from one to the other, we realize the position of society is getting involved more and more in this. Let's move on to the next one, which is the cognitive developmental perspective. The concerned with the characteristics changes in people as they grow. Up till now, what had we been seeing was that the growth was not being considered. Cognitive development defines human cognitive competence at successive phases of development. Education aims to help students acquire knowledge and develop skills which are compatible with their understanding and problem-solving capacities at different ages. So it changes from age to age. That is what the cognitive developmental perspective states. Thus, knowing the student's level on a developmental sequence provides information on the kind and level of knowledge they can assimilate, which in turn can be used as a frame for organizing the subject matter to be taught at the level of the child at which the child is. So what are we seeing yahan par humne kya dekhte hain, that the when we what do we see here is that from understanding the cognitive perspective, we're moving on that the child is different at different ages. The development, not only the physical, the emotional, the mental, the psychosocial relationships, etc., the language development, all are getting changed for mostly the better from one stage to the other stage. तो जिस प्रकार से एक बच्चे को जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे होएगा उसको पढ़ाएंगे, उसी बच्चे को जब वो उस लेवल से नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाएगा तो पढ़ाने का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाएंगे, उसकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट socially with the environment, which includes the teachers, the school, everything will change. Now this is not only for regular, the so-called normal children, it applies for all children with special needs, because every child, whatever the special need, is developing, is reacting with the social environment, aur uske sath unme change hota chala ja raha hai. So we come to the next slide. Jean Piaget is known as one of the predominant person who has worked on cognitive development perspective. Jean Piaget, when he gave his theory, was not relating it directly to education, but educational psychologists have found it to be very instrumental and useful in children, for children with special needs as with normal children. Educational psychologists have researched the instructional applicability of Jean Piaget's theory of development. According to Jean Piaget's theory of development, children mature through four stages of cognitive capabilities, that is sensory motor, when they use their senses to understand the environment, to learn from the environment. Pre-operational, when they are still not very clear about the logics through which we understand the world, the systems that are there for understanding, for learning new things. That is pre-operations, before they start understanding the operations effectively. Then comes concrete operations. Many of our children with special needs tend to be at the concrete operational stage. But that doesn't mean all.
Children with specific learning disability will move on to formal operational stage very effectively. Other children also who are above average in intelligence do not have an issue with moving on. For hearing impaired, visually impaired, these children will move on. Probably a child with mental retardation or intellectual disability may not be able to move forward to reach the formal operational stage. So next stage is we tend to give them concrete examples. Formal operational stage. Children move from illogical reasoning, concrete reasoning, to ultimately abstract reasoning. But the level of thinking and hence learning is not the same for all the domains. It varies from domain to domain. Child may be able to think abstractly about mathematics, but remain limited to concrete thoughts when reasoning about human relationships. Children actively construct their understanding and knowledge. So what I, the teacher, is trying to teach is not necessarily what the child is learning. Hence, knowing how the child learns best and what the child has learned is highly important for the teacher. So what do we see till here is that जब एक बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसके सारे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट्स, ये सारे जरूरी नहीं है एक ही लेवल पे डेवलप होंगे. ज़्यादातर होते हैं पर कुछ में वो डिफरेंट भी हो जाते हैं. एक तो ये वाला डेवलपमेंटल का डोमेन हुआ और फर्दर डोमेन्स भी होते हैं. आपका मैथमेटिकल थिंकिंग, आपका लैंग्वेज का थिंकिंग, आपका म्यूजिकल understanding, your relationship understanding, maths may be further task analysis करें तो बहुत छोटे छोटे variations आ जाएंगे. ये सारे domains जो हैं वो अलग अलग levels पे बढ़ रहे हैं. तो एक बच्चा जो कि music में बहुत अच्छा है वो necessarily maths में अच्छा नहीं होएगा. हम अपने children with mental retardation, intellectual disability में काफी बार देखते हैं, they're very good with music. But when it comes to academics, they are not able to go beyond functional academics. So the way you teach, what are we supposed to do in this case? According to the developmental theories, because the domains are different, as a special educator, can I use music to facilitate the learning of functional academics? Because the child understands is at a higher level, whereas music is considered. Similarly, somebody else might be very good with drawing or as compared to one's own assessment position, uski drawing ka level kahi jaate hai. To kya main us drawing ko use kar sakti hu maths padhane ke liye? Sochne ki baat hai. Iske upar depend karta hai meri as a special educator, meri as a teacher jo understanding knowledge hai वो किस लेवल तक है. जब ही आता है इन सर्विस वगैरह अपनी अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज करने की बातें जो हम जिसके बारे में करते रहते हैं. तो उसके बाद इसमें बात आई कि एक और बात है जो हम बाद में करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की, पर इसमें कॉग्निटिव थ्योरी में बहुत इफेक्टिवली आती है. जिस प्रकार से जब मैं समझती हूँ चीज को, जिस प्रकार से मैं द टीचर स्पेशल एजुकेटर, जिस प्रकार से मेरा दिमाग प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और मैं एक स्टेप से दूसरी स्टेप लर्न करती हूँ, नेसेसरीली नहीं है चाइल्ड भी उसी प्रकार से कर रहा है. सो द वे आई टीच, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि और क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं और उसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थ्रू असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट डोमेन लेवल्स ऑफ द चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आगे चलते हैं. इससे भी आगे चलने से पहले ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को कहने की कोशिश करते हैं बेटा ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रास का कलर ग्रीन होता है. एक बच्चा है वो नहीं एक बार में समझ पाता, तो हम क्या करते हैं ग्रास लेके आते हैं, कहते हैं देखो इसका तो ये कलर क्या है, ग्रीन है. ये कौन सा कलर है इसका, इसका भी ग्रीन है. फिर दूसरी ग्रास लाते हैं, उसको भी कहते हैं ग्रीन है. हम क्या कह रहे हैं, हम उसको जबरदस्ती नॉलेज दे रहे हैं. अगर उसी चीज़ को हम
अलग तरीके से करते हैं और बच्चे से कहते हैं अच्छा ग्रीन कलर कौन सा है, उसको समझा दिया, ठीक है ये ग्रीन कलर है, समझ में आ गया ग्रीन कलर ऐसा होता है। अच्छा घास तो मैं पता है क्या होती है, घास भी पता है, दो चीजें उसको पता है। अब वो घर जाता है, उससे कहते हैं कि अपने घर में लॉन में देखना कि किस प्रकार की ग्रास है, किस कलर की ग्रास है। अच्छा कल तुम अपनी दादी के पास जाओगे, वहां पर देखना किस कलर की ग्रास है। अच्छा अब नानी के यहाँ जब जाओगे वहां देखना। समय लगता है ऐसा कि बहुत समय लग रहा है, पर बच्चा आके बोलेगा आपको कि हर जगह मैम टीचर ग्रास जो होती है वो ग्रीन होती है। इसमें क्या किया, बच्चे ने अपने आप नॉलेज कंस्ट्रक्ट की। ये इस प्रकार से इसको कहते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स वंस ओन नॉलेज। बच्चे तो अगला पॉइंट आते हैं, बट द लेवल ऑफ थिंकिंग एंड हेंस लर्निंग इज नॉट द सेम फॉर ऑल द डोमेन्स, इट वेरीज फ्रॉम डोमेन टू डोमेन। चिल्ड्रन मे बी एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अबाउट मैथमेटिक्स बट रिमेन लिमिटेड टू कंक्रीट थॉट्स व्हेन रीजनिंग अबाउट ह्यूमन relationships. Children actively construct their understanding and knowledge. So what I, the teacher, is trying to teach is not necessarily what the child is learning. Hence, knowing how the child learns best and what the child has learnt is highly important for the teacher. Yahan se नेक्स्ट हम चलते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी पे। अभी मैं बात कर रही थी चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऐसा लगता है ना कि इन बच्चों में इंटेलिजेंस ही कम है, पर एक नई थ्योरी आई हुई है काफ़ी दिन से, नई तो नहीं है बहुत सारी, कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसको देखते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं क्या ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो कि जिनको उनके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है या इंटेलिजेंस उसको हम सोचते हैं कम है, कि सच्ची में क्या उनके इंटेलिजेंस को हम आगे से कम कहेंगे? आते हैं इस वाली थ्योरी के ऊपर। चलिए बताएं आप जी। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज एन इन्वेंशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड इज कोइंसिडेंस with the development of that discipline. Continuing debates about the nature of intelligence revolves on whether intelligence can be characterized by a single factor which is known as general intelligence, abhi humne baat ki, or multiple factors, whether it can be measured at all. That's another question which is coming up. Can we actually measure the intelligence? Is IQ testing IQ the actual understanding or measurement of the intelligence of a person? Some of the intelligence tests that we generally use, and there are many, many more, are still being used and are good ones. Stanford Binet's IQ test, WISC, WPPSI, Bhatia's Battery of Intelligence Test. Let's come to Gardner's theory of multiple intelligence. Gardner has given 7 different type of intelligence, which he has identified as linguistic. And what does he mean by linguistic? It includes a better, higher level of understanding of words and language. So some people are very good with their language, how they communicate. Others may be very good scientists, but they're not so good with their communication processes. Logical, mathematical, that's another type of intelligence he talks about. That is logical and numbers. There are some people who are so good with maths, mentally they can do so such good things with maths, they can play with numbers. Others find maths so difficult. Musical, music, sound, rhythm. This is what the people who have intelligence type as musical are good at. Bodily kinesthetic, which includes the body movement control. Some of us are good dancers, good players. They're so good with their movement. Others try and make some of us do certain movements in a particular way. We will not be able to do it effectively. Spatial, visual,
images and spaces. There are people who can think. स्कूल में आप लोगों ने किस किस ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की थी, किसको आसान लगती थी, किसको मुश्किल लगती थी. जिनको आसान लगती थी उनका स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस टाइप जो है वो हायर है. फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टाइप. अदर्स, देयर सम पीपल जो उनसे दूसरों की बातों को वो इतनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को इतना अच्छी तरह से समझ पाते हैं, औरों को पता ही नहीं चलता कि वो कब गुस्सा है कब क्या है. तो दीज आर, पार्टी में जाते हैं तो सबको अपना फ्रेंड बना लेते हैं. इनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टाइप जो है इनका हायर होता है. इंट्रा पर्सनल अवेयरनेस, कुछ लोग होते हैं जो अपने, कभी आपने पोएम पढ़ी है किसी की, किसी की लेख देखा है किसी ऑथर का या स्टोरी, तो जब वो स्टोरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ मैं भी ये कहना चाहती थी पर कह तो नहीं पाए ना. उन लोगों को इंटरनल अपनी अवेयरनेस इतनी होती है, वो अपने आप को इतनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इनको इसको होता है ये दूसरों को समझने और अपने आप को समझने की कला जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लाइफ डेवलपमेंट से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो फ्रेंड्स, हम आपने देखा हमारी एक्सपर्ट का कहना है कि ये सबकी अपनी एक अलग क्वालिटीज़ आप इसे कहें होती है, जो कि डिफरेंट पर्सनल में किसी में कोई क्वालिटी किसी में कोई क्वालिटी डोमिनेट करती है. इस पर अभी हम चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक लेकर के बाद में इस चर्चा को जारी रखते हैं. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. La-ra.
दिस इज नीरज। धीरे धीरे चल रहे ही प्लेज मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। सुनो जो कहानी, ही लव्स मोहम्मद रफी एंड क्रिकेट। ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुना। ही आल्सो यूजेस क्रचेस फॉर मोबिलिटी। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। दिस इज राजबाला। मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। विद अ हस्बैंड एंड डॉटर। शी लव्स कुकिंग एंड वॉचिंग टीवी। सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। शी ऑल्सो हैज सेरेब्रल पॉल्सी। लुक बियॉन्ड द डिसेबिलिटी, लुक एट द पर्सन। अभी हम आपने देखा कि हमने इस बात पर चर्चा किया था कि गार्टनर जो एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उन्होंने किस तरह से एक अपनी क्लासिफिकेशन दिया है कि किस तरह के लोग किस तरह के एबिलिटीज में आगे होते हैं और किस तरह से उनके बिहेवियर में ये चीज़ें शो होती हैं। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहें, अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट करें हमसे। हमारी टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609 पर। मैम, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे जिसमें कि आपने बताया कि गार्डनर साहब ने ये बता दिया कि इस टाइप का क्वालिटी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर इस तरह का इंटेलिजेंस होता है, किसी के अंदर इस तरह का इंटेलिजेंस होता है। तो ये तो हर एक पर्सन के अंदर किसी न किसी एक न एक क्वालिटी होती है। तो इस सिचुएशन को अगर हम समझे तब तो सारे के सारे इंटेलिजेंस ही हो गए। तो फिर वहां पर इंटेलिजेंस जो डेफिशिएंसी की बात जहां पर हम करते हैं, तो ये चीज किस तरह से हम समझें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। अभी तो जो जितना मैंने बताया था, गार्डनर साहब तो इससे भी आगे बोले, अभी तो और इंटेलिजेंस बताएंगे, अभी बात करते हैं हम उसके बारे में। तो उनका कहना ये है, और जब हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो एक प्रकार से उनका कहना यही है कि हर पर्सन जो है वो किसी ना किसी चीज में उसका उसका इंटेलिजेंस टाइप है, उसकी उसमें क्षमता है। वो जीनियस नहीं हो सकता है, पर वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। तो जो जिसको हम कहते हैं बिलो इंटेलिज आईक्यू लेवल, इसका बिलो एवरेज आईक्यू लेवल है, उसमें भी उनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ क्लासरूम के लिए, यानी बच्चों की लिमिटेशन ना देखते हुए उनको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लिमिटेशंस को तो हमें देखना पड़ेगा, उनके उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। पर मेजर फोकस होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो भी जितनी भी हैं। कोई सब आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो नहीं बन जाएंगे, इंटरनेशनल म्यूजिशियंस तो नहीं बन जाएंगे, आइंस्टाइन तो नहीं बन जाएंगे, पर जो भी स्ट्रेंथ्स हैं सब में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, उसको ढूंढना हमारा काम है, उसको फर्दर मूव करना एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा है। दूसरा हमारा काम हो सकता है जो लिमिटेशंस है, क्या उन लिमिटेशंस को हम स्ट्रेंथ्स की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव जो उसके एटीट्यूड है, जो उसके पॉजिटिव लर्निंग स्ट्रेंथ है, या उसका इंटेलिजेंस टाइप है। जी. जैसे एग्जांपल लिया था, अगर कोई फुटबॉल में फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा है, खेल में अच्छा है, क्या हम उसको यूज करके उसको फंक्शनल एकेडमिक्स पढ़ा सकते हैं? ठीक है, वो मैथ्स में इंटरनेशनल मैथमेटिशियन नहीं बनेगा, उसको फंक्शनल ही सीखना है, पर फिजिकल एक्टिविटीज को यूज करके उसको मैथ्स पढ़ा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं, मैथ्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस टाइप जो है वो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या वाइस वर्सा कि उसके मैथ्स की टैक्टिक्स को हम अदर क्वालिटीज को डेवलपमेंट करने में यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, जो भी चीज, तो एक उसका
अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एग्जाम्पल आपको देते, जैसे हमने कहा इंट्रापर्सनल, यानी दूसरों को समझना, दूसरों के साथ एम्पथाइज करना, दूसरों को पर्सपेक्टिव को समझना, अगर ये किसी की इम्पॉर्टेंट है तो आपने जैसे कहा ये तो बहुत सोशल फंक्शंस में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप डेवलप करने में तो ये इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे एकेडमिक प्रोसेसेस में इसका हम यूज़ ही नहीं करते, तो क्या इसको यूज़ करके हम उसको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। जो गार्डनर ने कहा कि लर्निंग टीचिंग इंटेलिजेंस स्टाइल्स उन्होंने साथ दिए, वो और भी आगे चले, उन्होंने और भी दे दिए थोड़े दिनों के बाद, जो और दिए हैं वो ये सामने हैं हमारे पास। उन्होंने कहा कि नेचुरलिस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट को जो समझते हैं, ये होता है, आपने सच देखा होगा कि लोग एनिमल्स को समझते हैं, चिड़ियों को समझते हैं, तो इनमें एक अलग तरीके की क्षमता होती है। बहुत सी बार कहा जाता है कि सर्टन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर वेरी गुड विद एनिमल्स। आर वी लुकिंग एट दोज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस टाइप ऑफ दीज चिल्ड्रन? नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, एग्जिस्टेंशियल, रिलीजन एंड अल्टीमेट इश्यूज, मॉरल, एथनिक एथिक्स, ह्यूमैनिटी, वैल्यू ऑफ लाइफ। तो ये गार्डनर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर फ्रॉम अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। हाउ वी परसीव, हाउ वी आर एबल टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स। This provides absolute indication as to people's preferred learning styles, behavioral and working style, and natural resources, strengths. The type of intelligence that a person possesses indicates a person's capabilities, manner or method in which they prefer to learn and develop their strengths, their weaknesses and how they may develop more beyond those weaknesses. Like said earlier, for example, child who is strong musically and weak numerically will be more likely to develop numerical and logical skills through music and not by being bombarded with numbers alone. Child who likes drawing but finds reading difficult will better when the IEP has reading taught through drawing. But how do we do this? This is another, we can have another session on this. In the meantime, let's all think about that. Multiple intelligence theory. Does multiple intelligence theory, the multiple theory of intelligence seems to apply only to the so-called normal children? Or does it apply to the children with disabilities also? अभी आपने यही क्वेश्चन पुट अप किया था और इसी को हम फिर से आगे पुट अप करते हैं कि क्या हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि क्या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में, आप सब लोग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, क्या आप में कहीं पर हर बच्चे को आप सोचिए उनके बारे में, क्या उनमें कोई इंटेलिजेंस टाइप दिख रहा है? हम आईक्यू हाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस टाइप की। क्या हम इन सब बच्चों की इंटेलिजेंस टाइप को, अपने बच्चों के जिनके साथ आप काम करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर यही एक्सरसाइज हम कर लें तो उससे ही हमें बहुत इनसाइट मिल जाएगी हमारे बच्चों के बारे में। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, डू द फॉलोइंग ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस टाइप्स? मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, Children with cerebral palsy and neurological disabilities, hearing impairment, visual impairment, locomotor disabilities, specific learning disabilities. ये जो सारे issues हैं regarding that specific learning disabled children, children with autism spectrum disorder, क्या all these children are they mentally retarded? Are mentally retarded children also specific learning disabled? Or vice versa? All these issues get sorted out as soon as we try to identify the learning types, the intelligence types.
and the labeling also tends to be less negative in the long run. So here it says, yes, all of them are intelligent. How does it feel when we say everyone is intelligent? A person's strength is also a learning channel. A person's weakness is not a learning channel. Simple, doesn't it look like? We are all intelligent in different ways, including all disabilities. So here comes, very nice, मैंने तो सब कुछ बोल दिया कि everyone is intelligent. But fine, but that doesn't make my teaching in the classroom any easier. Because each of those child is going to be different. ये बात teachers के work को कहीं और ज़्यादा tough बना देता है कि हर एक बच्चे के लिए एक special module उसको तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चे को सिखाना है. वैसे ही हम हर बच्चे के लिए IEP बनाते हैं. जी. अब उसमें आप और ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो हैं उसमें कोई ना कोई strengths हैं और उनकी limitations से ज़्यादा उनकी strengths की तरफ ध्यान दीजिए. तो कैसे करें हम ये? सबसे पहले उसमें फर्स्ट स्टेप कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो सबसे पहला काम होना चाहिए. फिर उसके बाद हमको ये सोचना पड़ेगा कि उस स्ट्रेंथ को कैसे यूज करके हम अदर चीजें उसको सिखा सकते हैं. एब्सोल्युटली जी. तो उसके लिए आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ पीपल और मल्टीसेंसरी अप्रोच. हमारे मेजर 5 सेंसेस होते हैं. So based on the multisensory approach, where in the classroom we teach using all the different senses. This is also called VAKT, which includes visual, auditory, kinesthetic and tactile style models. So VAK, the T is missing from here. It should have been there. Visual, auditory, kinesthetic and tactile learning style models. Where do these learning style models come from? They are an offshoot of the intelligence types. Jo meri intelligence jyada important hogi mere liye, jisme meri strength hai, main usi intelligence usi ko to use karte hue jyada acha learn karungi. So therefore, if I like to, my language is my important thing, then my learning style will be when I will learn better when people talk to me. If visual is my predominant intelligence type, and that will be my learning style. I learn better when I actually see things. Somebody else, the kinesthetic or touch, movement is how they like to look at things. Where, how will they learn best? When you actually do activities with them. So what do? We using the VAKT method or the multisensory approach, when we make our IEPs, the focus should be for group teaching that we use as many of the different learning styles, visual, auditory, kinesthetic, textile, olfactory, smell we don't use much actually. So if you use all of them, then automatically the child learns by one way or the other. It is not that the child doesn't learn. For example, ek bachcha hai, wo vision se, wo dekh ke bhi blackboard se samajhta hai, par jab usse baat karke isko samjhao to wo aur jyada acha samajhta hai. Ek bachcha hai jo ki jab usse baat karo उसको समझाओ वर्बली तो वो ज़्यादा अच्छा समझता है. खाली ब्लैकबोर्ड पे लिखो या उसे कहो खाली किताब पढ़ो तो वो इतना अच्छा नहीं समझता. समझ सकता है उससे भी, पर इससे ज़्यादा अच्छा समझता है. तो VAKT मेथड जो है वो सब बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता है. इसमें बहुत सारे असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं जिसमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल बच्चे के आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. चेकलिस्ट होती हैं, तो उसके थ्रू, जो आपका क्वेश्चन था उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे के क्या लर्निंग स्टाइल है. यहाँ मैम थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा. आपने जैसे बताया कि कोई बच्चा टच करके ज़्यादा बेहतर ढंग से समझता है, कोई बच्चा देख करके उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझता है. तो आपने यहाँ पर जो टीचिंग मेथड आपने बताया कि टीचर के लिए क्या बेटर रहेगा, वो
पहले ही इस बात को आइडेंटिफाई कर ले कि किस तरह के बच्चे किस लर्निंग स्टाइल से ज्यादा बेटर ढंग से सीखते हैं, उसको उस मेथड से सिखाए, या एक ही टॉपिक को एक बार इस मेथड से सिखाए, दूसरी बार उस मेथड से सिखाए और तीसरी बार अलग मेथड से सिखाए, तो हर एक बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी जो क्वालिटी रहेगी वो किसी न किसी मेथड में कैचअप कर लेगा और मैटर को सीख लेगा। बिल्कुल, तो अगर इंडिविजुअलाइज टीचिंग कर रहे हैं तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे तो सारे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और चेकलिस्ट है जिससे आराम से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। अगर इंडिविजुअलाइज टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें हम उसी वाले मेथड से सिखाएंगे, और अगर ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं, सब बच्चों के साथ एक साथ कर रहे हैं, तो सारे मेथड्स को एक साथ करके कर सकते हैं, डिपेंडिंग हमारा स्पेशल नीड्स क्या है हमारे बच्चों की, या जैसे आपने कहा कि एक बार एक मेथड किया फिर उसके बाद दूसरे, फिर आओ हम इस तरह से भी करके देखते हैं, फिर आइए हम इस तरह से भी करके देखते हैं उसी चीज को, तो बच्चे कहीं ज्यादा बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब आगे चलते हैं कि की एरियाज इन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और स्पेशल नीड्स के, होलिस्टिकली देखा जाए तो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन दैट, लर्नर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड टीचर क्वालिटी एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर, क्लासरूम management, behavior modification would be a part of classroom management, evaluation and the evaluation processes, CCE जो है वो हमारे children with special needs के लिए बड़ा effective हो रहा है, क्योंकि उसमें holistic development हो रहा है और उसमें process end में marks नहीं है पर किस प्रकार से वो आपका grade आया उसके ऊपर focus है, और हर तरफ के टाइप के लर्न इंटेलिजेंस स्टाइल्स को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो दिस इज वेरी गुड टू गेट अ बेटर असेसमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड टू टेक आउट देयर स्ट्रेंथ्स एज वेल। कमिंग टू द लर्नर एंड द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इट इज इंपॉर्टेंट हियर, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी एंड नॉट डिसेबल्ड child. Why do we say child with disability and not child, disabled child? Because the child is more important. कैसा भी बच्चा है, पहले importance है primary child पे, फिर है disability पे. First disability पे importance नहीं है, priority disability के ऊपर है, पर मैं बच्चा हूँ, मैं मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो भी आपके कार्टून्स हैं वो मुझे पसंद है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, सो माय फर्स्ट फोकस इज ऑन चाइल्ड, आई नीड प्रोटेक्शन, आई नीड लव, आई माइट बी अ ऑटिस्टिक चाइल्ड बट आई एम नॉट एबल टू शो माय लव टू यू एज इफेक्टिवली, बट मुझे लव चाहिए, that is my need as a child, the child is more important, so first of all I am a child, yes, and that is most important other than anything other, absolutely focus child hone par hona chahiye na ki disability se, identification child hone ki wajah se hona chahiye na ki uski disability se uski pehchan banni chahiye, bilkul bilkul bahut aap sahi ne kaha ki pehchan as a bachcha honi chahiye, bilkul sahi, to learner aur learning experiences jo hain hamare focus us pe hone chahiye. So coming to know your learner, when I talk about my the learner, I am saying the child. As a special educator, as a teacher, what do I need to understand, know is the age, the chronological and mental age. Chronological age will give me an idea of what age, what developmental stages the child is. Mental age will give me an idea of the mental capacities of the child at that particular level. Socio-cultural background, the type of background that the child comes from, उसके environment में किस प्रकार की learning, जब बच्चा special educator तक पहुंचता है उससे पहले उसके formative years अगर early intervention में आ गया
बच्चा स्पेशल एजुकेटेड तक तो बहुत अच्छा है, पर नहीं तो जब तक वो होता है वो 5 साल से ऊपर ही हो चुका होता है, जब तक उसके फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं वो निकल चुके होते हैं। जो एनवायरनमेंट फैमिली ने सोसाइटी का कल्चर का जो इम्पैक्ट उस पर होना होता है वो काफ़ी हद तक हुआ होता है, उसको हम रब ऑफ नहीं कर सकते, उसको अंडरस्टैंड करके ही हम फर्दर जा सकते हैं। द प्रीवियस नॉलेज द चाइल्ड हैज अचीवमेंट ओरिएंटेशन, सम चिल्ड्रन वॉन्ट टू अचीव सो मच मोर वाइल अदर्स आर हैप्पी, दिस अप्लाइज फॉर इवन द चाइल्ड विद द मोस्ट स्पेशल नीड्स। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स, जैसे अभी कहा है द लर्निंग स्टाइल, डूइंग एन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग स्टाइल, VAKT, मल्टी सेंसरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, सेंसरी इश्यूज, हिस्ट्री विद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, पेरेंटल एंड फैमिली डायनामिक्स। दिस इज नोन एज द ब्रॉनफेन ब्रूनर्स मॉडल। इफ यू सी द फर्स्ट, देर आर 5 circles इन दिस। सबसे छोटा सर्कल जो है उसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, उससे बड़े को मीजो सिस्टम, उससे बड़े को एक्सो सिस्टम, उससे बड़ा जो है मैक्रो सिस्टम, और फिर आता है क्रोनो सिस्टम। वापस आते हैं माइक्रो सिस्टम जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, इसमें हमारी फैमिली इमीडिएट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पास में मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, मस्जिद होगा, जो भी, वो उसमें आया। बच्चा अगर क्रेश में जाता है वो आया उसमें, तो ये इमीडिएट जो है और इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका इम्पैक्ट लर्नर के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर पेरेंट्स एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आम बात हो जाती है बहुत सी बार हमारे समाज में, तो उस बच्चे का ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ लर्निंग विल बी इफेक्टेड, उसका डेवलपमेंट विल बी इफेक्टेड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस बच्चे को बेस्ट ऑफ खाना वगैरह दिया जा रहा है। उसके बाद इम्पैक्ट आता है, नेक्स्ट है आपका मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में है आपका नेबरहुड, पेरेंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, सब कुछ करते हैं, पर बच्चा जैसे घर से बाहर निकलता है सारे नेबर्स जो हैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत है, अच्छा, बहुत अच्छा है जी। बच्चे को का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका एबिलिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड कंस्ट्रक्ट वंस नॉलेज बढ़ता है जी। और नहीं तो फिर वो उसके ऊपर एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, वो अमाउंट जितना वो लर्न करता है वो कम हो जाता है और डेवलपमेंटल उसका सारा इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सिस्टम था वो हमारा एक्सो सिस्टम है, हमारे लार्जर सोसाइटी डिसेबिलिटी को कैसे देखते किस नजरिए से, वो इफेक्ट कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम, लार्जर वर्ल्ड कैसे देखता है उसको। क्रोनो सिस्टम में आपका जो फर्दर एनवायरनमेंट है, इको सिस्टम्स हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि देखा गया है क्योंकि अब हमारे अगर ओजोन लेयर में कोई इम्पैक्ट हो रहा है या फर्दर पोल्यूशंस में कुछ हो रहा है, उन सब की भी इम्पैक्ट जो है डिसेबिलिटी पे पड़ता है। आप इंटरेस्टिंगली देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जो फैमिली से नेबरहुड टू सोसाइटी इफेक्ट करे, बहुत सी बार उल्टा भी इफेक्ट होता है। अगर आप हमारे एक्शन पॉलिसीज देखिए इंडिया के, ज़्यादातर वो एक्शन पॉलिसीज बने हैं जब वर्ल्ड लेवल पे सर्टन एक्ट्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी पे बने, उससे इन्फ्लुएंस होके हम अंदर आए, तो इन्फ्लुएंस वहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो हम जब रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, उसमें हमारा ये ब्रॉनफेन ब्रूनर मॉडल जो है, बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर है हमारे में तो हम उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी में, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज the teaching learning process, the teacher quality or the human characteristics, teacher understanding of self is important, as a teacher understanding of one students is also important,
understanding of the subject content, when we say the understanding of self, बड़ा important है. मैं समझूं मेरे में क्या biases हैं. और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज यहीं पर होती है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, और वो कमियां हैं तो किस तरह की हैं. ये समझना ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. ऑडियंस, हम यहाँ पर आपको इस चीज को कहना चाहेंगे, जरूर एक बेस्ट टीचर बनने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें को इस बात को खुद देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं खुद ही उन चीजों को देखने के लिए हम बायस तो नहीं है. हमारी थिंकिंग कहीं बिल्कुल एक नैरो तो नहीं है. हम ज्यादा ब्रॉडर वे से उस चीज को समझ सकते हैं या नहीं, ये सोच सकते हैं या नहीं. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखते हैं. Thank you.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने देखा ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक बेस्ट टीचर बनने के लिए, एक बेस्ट एजुकेटर बनने के लिए किन किन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जैसा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही थी कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर खुद को समझे कि उसके अंदर में क्या एबिलिटीज़, क्या डिसएबिलिटीज़ हैं, उसको किस तरह से वर्कआउट करना है उस पर, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ पर ऑडियंस में आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारे फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारे फैक्स नंबर 011-265-11609 पर। मैम, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि बेस्ट टीचर को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर में किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हुए उसे अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर भी वर्कआउट करना होगा, उसे अपने एटीट्यूड्स में कहीं ना कहीं चेंजिंग लानी होगी, अपने एक जो कहें कि एटीट्यूड को कहीं ज़्यादा ब्रॉडर बनाना पड़ेगा। इसके साथ में और कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एक टीचर के लिए, एक स्पेशल एजुकेटर के लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक स्पेशल एजुकेटर को खास तौर से नॉन जजमेंटल होना है, क्योंकि वैसे भी टीचर को एक नॉन जजमेंटल, मेरे बायस क्या हैं, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मैं कैसे दुनिया लाइफ को देखती हूँ, मेरा नजरिया क्या है लाइफ के बारे में, वो दैट कैन नॉट बी द अल्टीमेट करेक्ट। Absolutely. बच्चा किस एंगल से सोसाइटी को देखता है उसके एंगल को भी एक इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। वो सही है, गलत है, उसका एनालाइज करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट लेकिन ये चीज कि हम बच्चे को पूरी तरह से सीरियस से खारिज कर दें कि नहीं तुमने जो सोचा वो पूरी तरह से गलत, दैट्स रॉन्ग। अगर उसी के साथ मैं और ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम नहीं, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसकी थिंकिंग प्रोसेसेस क्या है, अगर उसको हम रोक देंगे तो वो हमको बताएगा नहीं, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका प्रोसेस क्या है। गलत भी है तो भी हमारे तक बात आनी चाहिए, तभी तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसलिए नॉन जजमेंटल होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, जी। तो आते हैं आगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस स्टूडेंट्स, बीइंग एबल टू एम्पैथाइज, बीइंग एबल टू बी इन देयर शूज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, subject and task analysis, breaking down it into further points, having a very good knowledge base, which is knowledge of the subject matter and also the para subject matters. If I'm talking about special education, if I'm talking about, say, then it doesn't mean I should not know about general education. I have to know because it's related to this. If I am a specialist in a particular disability, I have to know the other disabilities to an extent too. Knows about knowing, has insight into the transformation of knowledge, has organization and clarity. So when we teaching the practices, orientation towards improvement of students' learning, cooperative learning, that is learning along with the teacher, the student piece becomes a co-learner, and team learning also. Higher order questioning, reflective questions, let the child think beyond one's capabilities. Effective praise, direct and indirect instructions, inductive thinking strategies, verbal and non-verbal communication, synthesizing teaching learning processes. So here we say that for a teacher, it is important that teacher जो है अपने आप को समझे, अपने likes, dislikes, biases, जिन biases को वो हटा सकती है, हटा सकता है, उन्हें हटाए, पर फिर भी हम लोग human beings हैं, कुछ ना कुछ biases रहेंगे हमारे, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हाँ मेरा ये bias है, मुझे पता होना चाहिए मेरा bias है। जब मैं बच्चे पे गुस्सा होते होते रुकती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं इस वजह से, इस bias की वजह से गुस्सा होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आजकल की लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। पर तो फिर वो बहुत सी बार बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, उतने रिस्पेक्ट से नहीं बोलते जैसे हम लोगों के ज़माने में हमें सिखाया गया था, लगता है कि ये बच्चे क्यों नहीं बोलते। पर अगर एवरीवन इज़ मूविंग टू अ डिफरेंट थिंग, टू व्हाट लेवल विल आई कीप दैट रिस्पेक्ट थिंग एंड टीच माई चिल्ड्रन,
तो व्हाट लेवल आई विल लेट इट गो, तो ये समझूंगी मैं तभी जब मैं अपने आप को अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे बच्चों के लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स पता होने चाहिए, इसी प्रकार से मेरी भी तो लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो मुझे एज अ स्पेशल एजुकेटर बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मैं किस प्रकार से, मेरे इंटेलिजेंस टाइप्स क्या हैं, ये सब वो सब मुझे भी अपने बारे में पता होने चाहिए। फिर आया आपका एम्पैथी विद द स्टूडेंट। जब तक मैं बच्चे के अंदर या बच्चे के शूज में नहीं खड़ा होती, एक बच्चा है स्पेशल नीड्स है कि सब तो तुम्हें प्यार करते बेटा, फिर भी तुम हर्ट होते हो, फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो, एक देखो कितनी मेहनत तुम्हारे ऊपर की है। बच्चे से पूछिए कि वो सारी मेहनत क्या उसको स्टिल कंफर्टेबल बनाती है नहीं बनाती, क्या उसको तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके एक फ्रेंड ने या उसके एक क्लासमेट ने कोई बात कह दी, तो क्या हुआ उसने इतना सा कह दिया, देखो तुम और क्या कर रहे हो, पर वो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो लाइफ सेंटर्ड है उसके लिए हो सकता है, तो क्या उसके ऊपर फोकस हम ज़्यादा कर सकते हैं। एडोलेसेंट इश्यूज़ होते हैं, एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स, मैं दूसरों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं बनता है, उसके लिए तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, वो उसके सब लर्निंग के ऊपर एक तरीके से पानी फेरता है। कैन आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देन कम्स द सब्जेक्ट कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट आना चाहिए, खाली एग्जाम पास करने वाला सब्जेक्ट नहीं, बट किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, कैसे मैं उनको फर्दर टास्क एनालिसिस करके छोटा छोटा ब्रेक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मेरा बच्चा जो है वो इस वाले स्टेप के बाद क्या वो दो स्टेप्स अपने आप समझ पाएगा, क्या मुझे एक एक और उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग। मेरे सब्जेक्ट ये कंटेंट है मेरे सब्जेक्ट का, इसके चारों ओर भी तो नॉलेज है, वो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। क्या अन्ना हजारे कहीं से फंक्शनल लिटरेसी में आता है, का कनेक्शन कुछ बनता है उसका, वो कनेक्शन भी बनाना जरूरी है, अगर वो नहीं बनता तो ऑटोमेटिकली लर्निंग इज नॉट वाटर टाइप कंपार्टमेंट, इट इज होलिस्टिक। आप मार्केट जाते हैं तो खाली फंक्शनल मैथ्स नहीं करते, आप फंक्शनल सोशल स्किल्स भी करते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सब एक साथ होता है ना। देन is the knowledge base when we are talking about, it also includes how knowledge gets transacted. एक चीज आई, आपने सिखाया कि मार्केट जाके ब्रेड कैसे खरीदनी है, क्या कल बच्चे को फिर आप सिखाएंगे कि सब्जी कैसे खरीदनी है या एप्पल कैसे खरीदना है तो बैगन कैसे खरीदना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट how does that transformation takes place in the mental processes, and then only will I be able to facilitate that my child does that also. Plan and organization and planning, you need much more time to plan things than to actually transact them in the classroom. The teaching practices is where they are child centered. हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मल्टी सेंचुरी होनी चाहिए, वीके टी के ऊपर फोकस होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, और आजकल तो पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस ही सारा बदल गया है, तो वो सब चीज़ें भी। हाँ, जैसे कि अभी एनसीईआरटी ने एक सीसीई पैटर्न ला दिया है जिसमें कि कहा यह जाता था कि अब बच्चे का इवैल्यूएशन जो है वो केवल साल के अंत में होने वाले एक एग्जाम पर ना हो, बल्कि वो हर मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट जितना हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मार्किंग उसकी होनी चाहिए, और उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर हम किसी बच्चे के आउट जो टोटल परफॉर्मेंस है उसके बारे में कोई रिजल्ट मेंटेन करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सीसी जो है इसको कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। कंटिन्यूस का मतलब रोज के रोज होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक हर चीज पे। अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो किसी चीज़ में अच्छे नहीं है क्या हम? हमारी अभी हमने इंटेलिजेंस स्टाइल्स और लर्निंग स्टाइल्स देखे, उसमें हो सकते अल्टीमेटली मैं एकेडमिशियन साइंटिस्ट नहीं बनूं, हो सकता है मैं क्रिकेटर बनूं, तो अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूं
या अच्छा हूँ तो क्या मुझे नंबर नहीं मिलने चाहिए उसके लिए? अगर मैं म्यूजिक में बहुत अच्छी हूँ, ड्रामा में बहुत अच्छी हूँ, बोलने में बहुत अच्छी हूँ, तो वो भी तो है, कितने सारे हैं। एज अ टीचर कितना बोलना पड़ता है और स्पर ऑफ द मोमेंट बोलना पड़ता है। तो क्या मैं उसमें ये डिबेटर बनना चाहती हूँ, मैं कल न्यूज रीडर बनना चाहती हूँ, कुछ भी, तो उसके लिए सबके लिए आपको लर्न कम्युनिकेशन स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए भी नंबर है। तो जो आपका सी सी ई या कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशिव इवैल्यूएशन है, उसमें हर चीज के लिए ग्रेडिंग है। सॉरी, मैंने कहा नंबर, नंबर नहीं, ग्रेडिंग। एक दिन आपको 91 नंबर आउट ऑफ 100 मिले, दूसरे दिन आपको 92 मिले। क्या किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर कभी कभी हो जाता है कि बात कभी इस बात की ही नहीं होती है कि जैसे एक हर एक टीचर का एक ही चीज को देखने का व्यू अलग हो सकता है। एक टीचर जिस क्वेश्चन को चेक करने के बाद भी हो सकता है कि 10 मार्क्स दे रहा है, दूसरा टीचर हो सकता है उस पर 8 दे और तीसरा टीचर उसमें 12 दे सकता है। तो ये एक एक नंबर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये कभी भी बच्चे की बिल्कुल एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कॉपी को चेक करने वाला एग्जामिनर है उसके अपने एटीट्यूड्स पर भी कभी कभी ये डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो मार्किंग का सिस्टम है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, बजाय इसके ग्रेडिंग कहीं ज्यादा है, एक जो कि एक ओवरऑल व्यू देता है बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। एब्सोल्युटली, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं एजुकेशन से, कि एक बच्चा जो है वो एक इफेक्टिव, फ्रूटफुल, फंक्शनिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड बने। तो उसके लिए जिस स्किल्स में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है उस वो उसमें डेवलप हो जाए। तो उस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उधर की तरफ उसको मूव करें, या रादर एक रिपोर्ट कार्ड हो जिसमें उसके इतने नंबर आए और स्किल्स जो डेवलप हुई वो लिमिटेड हो गई, तो वो बाद में तो इफेक्टिव हुआ नहीं, प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं बनेगा। तो हमें उस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, आप टीचिंग के प्रैक्टिस के बारे में कुछ बता रहे हैं। जी, इफेक्टिव स्पेशल एजुकेटर्स आर रिफ्लेक्टिवनेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो हमेशा लर्न करते रहते हैं। ये नहीं अब मेरे को बी एड मिल गया, एम एड की डिग्री मिल गई, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट आता है आपका, अभी यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट का जो कहना है, जो आपके साथ साथ मैं खुद भी सीखता रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि हमारी एक्सपर्ट क्या बता रही हैं। इन्होंने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो एक बेस्ट एजुकेटर बनने के लिए। यहाँ पर एक चीज तो इन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट एजुकेटर बनने के लिए आपको खुद को समझना और अपने स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली कि हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर एक विशेष पकड़ बनानी होगी, स्टूडेंट्स को कैसे हमें बहुत अच्छी ढंग से सिखाना है, कितना ब्रेकिंग करनी है अपने पार्ट्स को, किस तरह से हम ब्रेक करके स्टूडेंट्स के सामने पेश करें, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जो हमने नोट किया अभी तक, जैसे आपने देखा कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, लेकिन यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट का कहना बिल्कुल ही कुछ दूसरा है। उनका कहना है कि आप एक स्पेशलिटी तो आपके अंदर होनी ही चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन आपको जानना एक फील्ड के बारे में कुछ न कुछ जानते रहना चाहिए, जैसा अभी आप डिसेबिलिटी के डिफरेंट सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, यहाँ पर ठीक है, आपने एक टीचर के बारे में तो आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन ये टीचर, ये जो स्पेशल एजुकेटर है, जब क्लासरूम में जाएगा तो वो अपनी इस एबिलिटीज को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करे ग्राउंड लेवल पर, जिससे कि स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर ढंग से सीख सके, तो उसके उसका क्लासरूम का ये मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए जिससे कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आए। जी, ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम कि क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, जब हम स्मॉलर ग्रुप्स को कहते हैं उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं, जब लार्जर ग्रुप्स में कहेंगे तो उसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रैटेजीज तो मोर ऑर लेस द बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें जो यूज हो रही हैं वो सिमिलर ही हो रही हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपसे व्यूअर्स से पूछना चाह रही हूँ कि हम क्लास को मैनेज क्यों करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, बच्चों को डिसिप्लिन क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि जो डिसिप्लिन इसलिए करना चाहते हैं कि वो चुप रहना नहीं चाहते, जिससे वो हमारी तरफ फोकस कर पाएं और जो हम उनको नॉलेज कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स आजकल फैसिलिटेटर्स हैं, वो टीचर्स नहीं हैं, नाम ही बदलने वाला है अब तो टीचर्स का, वो फैसिलिटेटर्स कहलाएंगे। तो हम बच्चों को जो लर्निंग करने की कोशिश कर लर्निंग करने की तरफ मूव कर रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान दे पाएं।
सो डिसिप्लिन का एम है या मैनेजमेंट का एम है टू गेट द अटेंशन एंड द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स यू. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का भी वही है कि अगर बच्चा वो बिहेवियर कर रहा है जिससे लर्निंग पे इफेक्ट हो रहा है उसको मॉडिफाई करना. तो यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपसे पूछा, व्हाई डिसिप्लिन टू ड्रॉ द चाइल्ड्स अटेंशन टू लर्निंग एंड व्हाई इवैल्यूएशन टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ्स एंड टू कन्वर्ट द लिमिटेशंस और द वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ्स एंड द थर्ड इज टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वीकनेसेस. ऑल वीकनेसेस कैन नॉट बी मेड इन टू स्ट्रेंथ्स. सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू सी दैट डिसिप्लिन इज द टीचर के साथ ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सी बार जब टीचर्स नहीं समझते कि कैसे कंट्रोल करें बिकॉज दे डू नॉट एट टाइम्स अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड टू डिसिप्लिन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सी द लास्ट वन, इट इज अनएथिकल टू कीप स्टूडेंट्स डोसाइल एंड क्वाइट. डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर कि बच्चे को हम शांत ही क्यों रखना चाहते हैं, चुप ही क्यों रखना चाहते हैं, हम बच्चे को केवल इस एंगल से क्यों देखते हैं कि बच्चा चुपचाप बैठा रहे और हमारी बातों को एज इट इज एक्सेप्ट करता रहे. और एक चीज जो आपने फैसिलिटेट करने वाली बात बताई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज को एंगल को एक समय के दौरान मैं समझता हूँ चेंजिंग आएगी इस चीज में कि बच्चे को जो जिस चीज को लर्निंग करनी है उसमें टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करे, सिर्फ गाइड न करे, डिक्टेट न करे, ऑर्डर न दे, बल्कि उसे फैसिलिटेट करे. ये निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉइंट है जिसमें कि ध्यान देने की जरूरत है. जी बिल्कुल. तो अब आसे ये हमने सब अपनी इसके बारे में बातें की कि जो इम्पोर्टेंट है, दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट और अहम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि स्पेशल एजुकेशन से खासतौर से जुड़े हुए हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं. Some more important issues related to special education in educational psychology. The word normalization. It emerged from the Scandinavian countries in 70s by Wolfensberger and Nirchi to provide equal opportunity to all the people with disability to live as close to the community as possible and function along with other people. जैसे आपको तो सबको पता ही है, आपने पढ़ा ही है कि हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन किसी भी डिसेबिलिटी का देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी में अगर किसी भी में जाते हैं तो इनिशियली क्या होता था, जो पीपल विद डिसेबिलिटी थे उनको सोसाइटी में से निकाल के सिग्रीगेट किया जाता था. बहुत उसके बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें हमको डिटेल में जाने की अभी तो नहीं ज़रूरत है, पर अगर हम उनको इफेक्टिव प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो जो पहले सेग्रीगेट करते थे फिर उनको सिखाते थे सोसाइटी में कैसे आके मिलो, ज्वाइन करो सोसाइटी को वापस. सो द पॉइंट इज व्हाई सेग्रीगेट देम ऑल टुगेदर, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइल्ड एंड द मॉडरेट ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. इट इज वी एज सोसाइटी वी कैन चेंज अ बिट. तो वो नॉर्मलाइजेशन इसको कहने लगे, दैट इज द पीपल विद डिसेबिलिटी should be part of the regular system. Now, for that to happen, there are two very important things that should happen. There should be processes of getting them into the mainstream, जिसको हम अब inclusion भी कहते हैं, complete inclusion भी कहते हैं. आज का अभी तक तो कहीं पर complete inclusion दिखाई नहीं दे रहा, पर gradually होना शुरू होएगा. तो next points आए हमारे is mainstreaming and deinstitutionalization. Mainstreaming involves an educational placement procedure and process for exceptional children based on the belief that each child should be educated in the least restrictive environment in which his or her vocational and related needs can be satisfactorily provided. Mainstreaming functions on the principle of integration, educational planning and programming, specialization of responsibilities. Effective mainstreaming is based on constant change, modification in school policies, multi-sensory child-centered techniques, re-innovation in school facilities and layout such as ramps for wheelchairs, elimination of curbs,
redesign of toilet stalls and drinking fountains, parental involvement and partnership, individualized educational plan, multidisciplinary teams. तो ये तो हमारा हुआ मेन स्ट्रीमिंग का. मेन स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सबसे बड़ी बात क्या है, कॉन्स्टेंट चेंज. सोसाइटी हैज टू चेंज, द स्कूल सिस्टम हैज टू चेंज. पहले फोकस था द चाइल्ड हैज टू चेंज, द चाइल्ड विल चेंज, द चाइल्ड विल एडजस्ट ट्राई टू मॉडिफाई वनसेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्पेशल एजुकेशन, बट द सोसाइटी ऑल्सो हैज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन इटसेल्फ व्हिच हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ. So that will lead to integration and inclusion. So the child with disability is in the regular classroom and the same resources which are used for the child with special needs are also being used for others and vice versa also. Pehle kya tha ki institutions mein children with disability bheje jaate the alag. So ab the whole process of de-institutionalization ho raha hai. Demonstrated that institutionalization resulted in a lowering of cognitive abilities, possibly because social reinforcement is missing and thus motivation is lowered. Least restrictive environment, khali physical nahi, but also psycho-social hona chahiye. And in conclusion, ab aate hain hum conclusion mein, educational psychology facilitates the special education personnel to understand the research and theories, reasons for the application of those theories in the actual teaching learning process of the child with special needs, reflect upon the concept of intelligence. Abhi humne sari jo hamara discussion hua hai, ye concept of intelligence testing educational psychology ne start ki thi. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी को रियलाइज हुआ है कि आईक्यू टेस्टिंग के ऊपर सारा कुछ फोकस करके वी हैव एक्चुअली डूइंग डिससर्विस टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड टू द रेगुलर चिल्ड्रन आल्सो. जैसे अभी सीसीई की बात हमने की तो उसमें क्या है कि एक चीज के ऊपर सारा फोकस नहीं, पर लॉट ऑफ थिंग्स. आफ्टर ऑल पीपल आर गुड एट वेरियस स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस. कमिंग बैक हियर, utilization of the learning style and multi-sensory approach in the learning teaching process, importance of understanding the self and the student beyond the classroom, that is the individual, the child as an individual, the child as a part of society, culture, past experiences, the developmental stage of the child and so on, complete inclusion of the child with disability in the mainstream, the child comes first, the disability later. Inclusion is a process. Learning is a cognitive, developmental, and social process. So we end here. जी यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट का जो कहना कि चाइल्ड इज द फर्स्ट, बाद में उसकी डिसेबिलिटी, उसकी जो अदर बातें हैं वो बाद में होनी चाहिए, बच्चे की पहचान उसके चाइल्ड होने से होना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है. जी तो दोस्तों यहाँ पर अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में आपसे एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो भी प्रोग्राम रहा, इस पर जो आपकी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उस चीज़ का हमको इंतजार रहेगा. आप हमारी ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट पर अपने प्रतिक्रियाओं को हमसे रूबरू कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर प्रोग्राम बनाने की आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा. इसी के साथ में आपको थैंक यू देते हुए तो दोस्तों आज आपसे विदा लेते हैं. फिर एक अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.